नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे NONC कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से हम लॉजिकली NONC को वेरीफाई करेंगे PLCs में। और ये स्टार्ट करते हैं। तो जो PLC में जो NO होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और इसको डायरेक्टली हम एक इनपुट का एड्रेस दे सकते हैं या एक मेमोरी बिट का एड्रेस दे सकते हैं। तो लेट सपोज हम करते हैं X0 और आउटपुट के लिए हम अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो आउटपुट के लिए जो शॉर्टकट है वो F7 है या फिर हम यहीं पे डायरेक्टली डबल क्लिक करके OUTY0 अगर हम लिख देते हैं तो वो आउटपुट कंसिडर होगा। और अगर हमें NC स्विच लेना है तो शॉर्टकट है F2 या फिर हम डबल क्लिक करके LDI दैट इज लैडर इनवर्स X1 एंटर। तो इस तरीके से भी हम NC का इस्तेमाल कर सकते हैं OUTY1। जब हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर लेंगे तब उस प्रोग्राम को हमें एक बार कंपाइल करना होगा एरर्स के लिए। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल F7 या फिर आप यहाँ पे कंपाइल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर हम कंपाइल नहीं करते और डाउनलोड कर देंगे तो वहां पे अगर एरर्स होंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। जैसे कि हमारे प्रोग्राम कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया तो अभी यहाँ पे 0 एरर्स दिखा रहा है। अगर कोई एरर होगा, लेट सपोज हम एक एरर क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्रिएट की लेकिन उसके साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, फेल टू कंपाइल रेफरेंस विद स्टेप नंबर रो 1 एंड कॉलम 2, दैट मीन्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो इस लाइन को हम डिलीट करते हैं, देन अगेन कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से हम कंपाइलेशन करते हैं सो दैट कि कोई भी एरर हो तो हमें प्रीवियसली डाउनलोड करने से पहले ही पता चल जाए। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसको सिमुलेशन पे। तो फर्स्ट ये है सिमुलेशन मोड, इसे पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर मोड या ऑनलाइन मोड। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारा जो PLC है वो स्टॉप मोड पे है, देन इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रन मोड के लिए या शॉर्टकट है कंट्रोल F7। तो देखिए जब अगर हम NO की बात करते हैं तो जब हम प्रेस नहीं करते हैं तो आउटपुट ऑफ है, और NC के केस में जब हमने प्रेस नहीं किया कोई भी स्विच तो आउटपुट एक्टिवेट। अगर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट को ऑपरेट करना है तो इनपुट को सेलेक्ट करके फोर्स ऑन कर सकते हैं या सेट ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम उसको ऑपरेट करते हैं फोर्स ऑन करके, तो इनपुट ऑपरेट हुआ और आउटपुट भी ऑपरेट हुआ। लेकिन जब हम NC पे फोर्स ऑन करते हैं तो जैसे ही हमने प्रेस किया फोर्स ऑन किया तो आउटपुट डीएक्टिव, और जब हम यहाँ से रिलीज करते हैं उस फोर्स को, दैट मीन्स कि हमने प्रेस करके स्विच को रिलीज किया तो आउटपुट एक्टिव है। और NO के केस में जब हम प्रेसिंग करने के बाद ऑफ करते हैं तो आउटपुट भी ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स कि जो NO कंडीशंस हैं वो तभी ऑपरेट होगी जब हम इनपुट को प्रेस करेंगे, दैट मीन्स पुश बटन को प्रेस करेंगे, या कोई सेंसर ऑपरेट होगा या कोई लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, तो उस कंडीशन पे ही वो सिग्नल हमें एज एन इनपुट मिलेगा। अदरवाइज अगर वो फील्ड में सेंसर ऑपरेटेड नहीं है या पुश बटन किसी ने प्रेस नहीं किया या लिमिट स्विच ऑपरेट नहीं है तो उस कंडीशन पे PLC के पास वो लॉजिक 0 होगा जिसकी वजह से आउटपुट ऑफ रहेगा। अब जैसे ही फील्ड में कोई सेंसर ऑपरेट होगा, पुश बटन ऑपरेट होगा या लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं फोर्स ऑन कंडीशन। दैट इज कि जैसे ही वह ऑपरेट हुआ तो PLC के अंदर उस इनपुट का लॉजिक स्टेट 1 हुआ,
जिसकी वजह से आउटपुट एक ऑपरेट होगी। और जब वो ऑफ कंडीशंस पे है, जब वो सेंसर को सेंस नहीं कर रहा है या पुश बटन रिलीज हो गया या लिमिट स्विच रिलीज हो गया, तो उस कंडीशन पे लॉजिक जीरो होगा एनओ के केस में और आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन यही चीज जब हम एनसी की तरफ से चेक करते हैं, तो अगर लेट सपोज कि हमने कोई पुश बटन ऑपरेट नहीं किया तो भी वो एक आउटपुट हमें देता रहेगा लॉजिकली, दैट मींस इनवर्स। तो जो भी फील्ड में कंडीशन होगी उसका इनवर्स हमें पीएलसी में मिलेगा। जैसे ही कोई पुश बटन ऑपरेट होगा तो पीएलसी के केस में वो ऑफ हो जाएगा, और जब फील्ड में वो इनपुट ऑफ है तो पीएलसी के लॉजिक के अंदर उसका लॉजिकल जो स्टेट होगा वो वन रहेगा। दैट मींस कि जो एनओएनसी कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के रिवर्स कंडीशन पे काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एनओएनसी कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू।